entire future in front of you. आप अभी आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है, आपको बाद में भी करेंगे अच्छी बात है, बट उसके साथ यू शुड नॉट लेट योर स्टडीज डिले पढ़ाई, क्योंकि इस समय बात ये होती है ना, हम सभी को पता है ये टाइम ऐसा होता है कि सब पे नए भटकते हैं, सब मैं भटकती हूँ, ठीक है, एवरीबडी गलत है, उसको भटकना भी नहीं कहते हैं, उसको बस पाथ कहते हैं, पाथ टू फेरेवरी भारत टू गो, ठीक है। तो जो भी हो बस अपनी अपने मन में हमेशा एक ही याद रखो कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, मतलब किसी नेवर डू रॉन्ग बाय एनीबडी, ठीक है। आप अगर इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर इन अ फ्रेंडशिप, कभी किसी के साथ गलत मत करो, बट मतलब बी लॉयल टू व्होएवर, बट बी लॉयल टू योरसेल्फ एंड टू योर स्टडी, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये मैसअप कर दिया ना, तो आगे लोग तो बहुत मिलेंगे, आपको रिलेशनशिप भी बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, आपको मतलब दोस्त भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दिस टाइम दिस एफर्ट दैट यू कैन पुट इन राइट नाउ वो आगे नहीं होगा। अभी इस समय जो एकदम पावर अंदर होती है ना, वो धीरे 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 करके कम ही होती जाती है, इसलिए पढ़ाई इस समय जितना ध्यान से कर सको, पढ़ाई मतलब दैट कम सेकेंडरी टू यू डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू डू। एक बार डिसाइड करो, ऐसे नहीं डिसाइड करो ऑब्जेक्टिवली कि ये इस इंसान ने ये बहुत अच्छा किया तो मैं भी ये बन लूँ, नहीं, असेस योरसेल्फ, अपने आप ऑप्शंस देखो, यू गॉट द एंटायर इंटरनेट इन योर हैंड्स, खोलो, लुक एट ऑल द ऑप्शंस देयर आर, मतलब इतने इतने कोर्सेज हैं, मुझे खुद ही नहीं पता है कितने कोर्सेज हैं दुनिया में, तो आप अपने आप अपने हिसाब से चॉक आउट करिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं होगी ना आपके सामने, जब तक आपको दिखेगा नहीं कि वो देयर आर 100 थिंग्स दैट आई कैन बी गुड एट, ठीक है, होंगी दुनिया में हजार चीजें, लेकिन आपकी स्पेशलिटी कहाँ हो सकती है ये सिर्फ आपको पता है। इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस योर पेरेंट्स, श्योर ऑब्वियसली होता ही है, तो अगर हाँ कुछ भी आपको अलग करना है, नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर और नो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो भी, तो जो भी अपना मतलब, बस द फर्स्ट थिंग आई टेल मेरा भाई भी 11th में है, मैं उसको यही बोलती हूँ कि निकालो पूरा, मतलब देखो कितने कॉलेज हैं, कौन से कोर्सेज हैं, इंडिया में जाना है, बाहर जाना है, जहाँ भी जाना है, लुक एट ऑल द कोर्सेज दैट आर देयर फॉर यू, और उसमें से सिलेक्ट करो कि आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। जिसको डॉक्टर बनना है वेल एंड गुड, मतलब मैं बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बहुत सैटिस्फाइंग है, बहुत सैटिस्फाइंग है। बट अभी तो क्या मैंने MBBS किया है, तो इंटर्नशिप में ही होता है, जितना पेशेंट से इंटरेक्शन होता है, लेकिन उतने में ही ये समझ में आ जाता है कि आप कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उस फील्ड में। तो एज एन इंटर्न ज़्यादा कुछ काम होता नहीं, आपको बैठ के बाहर वाइटनेस लेने होते हैं, बीपी पल्स टेम्परेचर ले लिया, बट उतने से इंटरेक्शन से ना, अगर आपने एक पेशेंट को थोड़ा सा खुश कर दिया ना, तो वो अंदर जाके फिर डॉक्टर के पास भी खुशी रहता है। तो जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, वो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलियन लाइफ, मिलियन आई एम सेइंग बिकॉज पूरी लाइफ में आप शायद मिलियन पेशेंट देख लेंगे ना। आई पर्सनली नो सर, सीनियर डॉक्टर ना वो बताते हैं, मतलब 15-15 लाख पेशेंट्स अपनी लाइफ में देख चुके हैं, और अब इमेजिन इतने सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटिंग होगा, सेम कंप्लेंट्स या फिर पेशेंट्स डिफिकल्ट आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने मन से चूज किया है कि आपको क्या करना है, तो दैट विल नॉट बच यू, समझ रहे हो सब बात। ये तो मैं अपनी फील्ड के बारे में बता रही हूँ, ऑब्वियसली मैं फिर से आपको नीट देना होता है ना, उसको क्या कहते हैं, पीजी नीट, पहले तो बात कर नीट दी थी आफ्टर के बाद, और जो सेकंड ईयर नीट कहते हैं MBBS के बाद नीट पीजी है। तो डॉक्टर साहब उसी की तैयारी भी कर रहे हैं, इसका दिया था अच्छा नंबर नहीं आया, तो अभी एक साल ड्रॉप करके फिर अभी एक साल पीजी है, मैंने मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था ये डिसाइड करना कि वो दो साल के बाद फिर से एक साल रुकी नहीं हूँ, बट वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आई रियलाइज मुझे डॉक्टर तो मैं बनी नहीं हूँ ना, अब मुझे अपनी लाइफ की जितनी मेरी लाइफ है इसके आगे रहूँगी तो मैं डॉक्टर ही, इट्स बेटर आई मेक द मोस्ट ऑफ इट, और मैं फिर से प्रिपेयर करके अच्छी अपनी मनपसंद ब्रांच उठा लूँ, क्योंकि अगर मनपसंद ब्रांच नहीं उठाई तो फिर से रह जाएगा। कौन सी ब्रांच आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? सर्जरी अच्छी, वी वॉन्ट बी अ सर्जन, MS सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉन्टैक्ट करिएगा, नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए वो एलिमेंट तो वही रहता है,
जिस एलिमेंट ने आपको हैंडल बनाया, जिस एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट इज द सेम ना, क्योंकि क्या छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना होता है तो कितनी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है। भाई अभी कैसे ये करना था तो लाइट नहीं आ रही थी और हम परेशान थे गर्मी में कैसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अंदर चल रहा था कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। ये गर्मी में वहाँ बैठी थी ऑफिस में और गर्मी लग रही थी, लेकिन इतना कॉपरेटिव है, इतना कॉपरेटिव एंड ऑलवेज स्माइलिंग, सबसे बड़ी बात है। कितनी प्रॉब्लम लाइफ में जब सिलेक्शन नहीं होता है उसके बाद भी स्माइल करते हैं, पूरी दिन स्माइलिंग। जब 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 गैप हुआ था इसका है ना, तो उसमें जब नहीं हो रहा था जब मिलने के लिए आती है, फर्स्ट जब नहीं हुआ था तो यही ऑफिस में बैठ करके एंड मदर स्टार्टेड क्राइंग है ना, उसको मैं रोने लगा था कि होता है सबके साथ होता है कि क्या होगा, तो मैंने कहा नहीं होगा 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 कैसे नहीं होगा, फिर ट्राई करते हैं। इसके मम्मी बैठे थे, पापा बैठे थे, भाई बैठा था, सब लोग मम्मी पहले रोने शुरू की थी कि कैसे करें क्या करें सर, पूरा तो हमने एफर्ट किया लेकिन नहीं हुआ, लेकिन फिर करें तो अगले साथ हो सकता है कि नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है, एफर्ट करना। लेकिन जैसा अभी शेयर ने कहा कि यही प्राइम टाइम है आपका, दिस इज द प्राइम टाइम, इसी में जिंदगी में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। इतना इंटेंसिटी से वर्क आप नहीं कर पाओगे, एंजॉयमेंट तो फिर कर लोगे बाद में, एंजॉयमेंट फिर कर लोगे, लेकिन इतनी मेहनत बाद में उतना नहीं कर पाओगे जितना अभी आप कर सकते हैं, है ना। मेरे ख्याल से आपको देर हो जाएगी, किसी को कुछ पूछना है नहीं तो फिर गाना करके फिर खत्म किया जाए। किसी को कोई क्वेश्चन? एक चीज और मैं बस सब बैक कर देता हूं कि एंजॉयमेंट जैसे सर ने बोला आगे भी करने को मिलेगा, एंजॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आपको रोज मूवी नहीं देखनी, ठीक है, आपको रोज दोस्तों के साथ नहीं वहां जाना है, आप अपने आप को टारगेट दीजिए, इस हफ्ते मुझे ये करना है तो मैं लास्ट के दो दिन सैटरडे संडे में अच्छे से एंजॉय करूँ, ठीक है। ये चीज बात ये ना, अभी एट एज ऑफ 16, 17, 18 मैं लग रहा हूँ सर्वन गा रही हूँ, प्रवचन दे रही हूँ, बट ऑनेस्टली मतलब ये तब से मुझे भी उतना अच्छे से नहीं समझ आता था, और तो हाँ आई नो कि मुझे मतलब एकदम ही ऐसे नहीं होना है कि वाओ मनी स्पेंड मनी एंड गो एंड पार्टी, बट हाँ एक मतलब मेरे दिमाग में रहता था कि लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ पे, तो मैं नहीं जाती क्योंकि मेरे पेरेंट्स मना करेंगे, मैं नहीं बाहर जाती थी, पेरेंट्स को मना करेंगे ना कि अपने आप को ये पता होना चाहिए कि हाँ इतने दिन में मुझे ये काम कम्प्लीट करना है, ये कोर्स हो जो भी हो, ठीक है, इतना मैंने पढ़ लिया उसके बाद आई डिजर्व दिस ब्रेक। अब अगर आप पूरी लाइफ ब्रेक ही लेते रहेंगे, 2 घंटे पढ़ के आप घूमने चले गए, फिर आप अगले दिन 2 घंटे बैठे पढ़, दैट इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। आपको अपने आप को इंसेंटिव देना होगा टू हैव फन, तब ज़्यादा फ्रूटफुल भी लगता है वो फन कि हाँ चलो इतना काम हो गया अब मैं पूरे दिन कम से कम इंजॉय कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है कि मैंने एक्सपीरियंसेस से बता दिया सब कुछ, फिर के कुछ ऐसे मतलब नोट डाउन करने वाले नहीं है। अब क्या हम लोग एक गाना सुन सकते हैं आपका पसंदीदा? हाँ एक बार क्लैप कर दीजिए मैम। वो यूक्लेले नहीं लाया हाँ, आपने इसके पास था, इसके पास से लेते आप उसके साथ में वो मिल जाता है ना, थोड़ा सुर मिल जाता है। चलिए आप तो ऐसे ही गा लेते हैं, कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सब, इसको सिंगर के नाम से जानते हैं मेडिकल कॉलेज, क्योंकि सारे फंक्शन में ये परफॉर्म करते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर म्यूजिक साथ में है, म्यूजिशियन है, छुरी रावा छुपावा छुपो नू लुकावा कोई मैं
थैंक यू डॉक्टर सिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, और चले जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. शुभ रिपोर्ट सही चल रही है.